नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आप इस वीडियो में देख रहे हैं, ये जो जंगल है ये आप देख सकते हैं, बड़े बड़े घने पेड़ हैं। तो इस जंगल का नाम है अंबादा बाग। तो दोस्तों मैंने लाइव बनाया था, मगर लाइव वीडियो में थोड़ा इंटरनेट की प्रॉब्लम के कारण मुझे ये लाइव बीच में रोकना पड़ा। तो दोस्तों आप लोग अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ जो अब हम ये बांस के पेड़ हैं, और ये देख सकते हैं बड़े बड़े पेड़ हैं, और नीचे घास है। तो दोस्तों सभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये जो चीज़ें मैं दिखाता हूँ ये कोई भी नहीं दिखाएगा आपको। या तो आप डिस्कवरी पर देखते हैं, मगर डिस्कवरी वाले थोड़ा बनावटी ज़्यादा होते हैं। तो अब हम यहाँ से नीचे जाएंगे, थोड़ा आगे रास्ता बंद है क्योंकि घना जंगल है, तो हमें तो दोस्तों आखिर ना जड़ी बूटी लगा हुआ, तो हम जड़ी बूटी थोड़ा सवेरे का टाइम, हमने नाश्ता नहीं किया हुआ तो इसलिए हम नाश्ता कर लेते हैं। ये हमें हाई क्लोरीन जो भी है हमारे शरीर को देती है, और नेचुरल जड़ी बूटी है। तो इसको हम खा लेते हैं, तो थोड़ा हमारा जो है नाश्ता भी हो जाए। इसके बाद हम यहाँ के नेचुरल पानी से भी नहाएंगे, जो कुएं का पानी होता है। तो आप देख सकते हैं घना जंगल है। तो हम नीचे से जाएंगे इधर से, थोड़ा जंगल से ध्यान से जाना है क्योंकि कांटेदार झाड़ियां हैं। तो और दोस्तों थोड़ा नीचे से चलते हैं क्योंकि ये नाला है, बारिश में यहाँ पानी बड़ा पॉइंट पर होता है, ये आप देख सकते हैं। तो अब हम जा रहे हैं बाँ की तरफ। नीचे बाँ है, बाँ को कहते हैं जहाँ पानी होता है, और इस जंगल का नाम है अंबादा बाग। तो दोस्तों देख सकते हैं मैं इस वीडियो में आपको बहुत चीज़ दिखा रहा हूँ जो आप लोगों ने कभी ज़िंदगी में नहीं देखी होगी। देखी तो होगी, ऊपर से देखा है, मगर आप कभी गए नहीं ऐसी जगह। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि आप लोगों को बहुत चीज़ दिखाऊँ। ये देखो यहाँ पर सिर्फ आगे पीछे झाड़ियाँ हैं, जंगल है, और इन जंगल में तेंदुआ भी रहता है, थोड़ा संभल कर चलना है।
क्योंकि तेंदुआ खतरनाक होता है और ऐसे ही पहाड़ों में ये रहता है तेंदुआ। और चारों तरफ जंगल जो होता है, बड़े बड़े बांस के पेड़ होते हैं। तो आप देख सकते हैं जो जंगल है, जैसे नाला बंद है, तो अब हम यहाँ से जाएंगे ऊपर से। तो आप देख रहे हैं ये जो जंगल है, चारों तरफ से घिरा हुआ है। और इस पेड़ पर जो लोग कैंसर के मरीज होते हैं वो इस चीज़ को खाते हैं जो इस पेड़ के ऊपर लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर सारे ही जड़ी बूटी हैं जो है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितना घना जंगल है, और आप ये देख सकते हैं ऊपर भी। तो दोस्तों 8:30 बजे का टाइम हो गया सुबह का, और यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है अभी तो 20 डिग्री टेम्परेचर है, मौसम ठंडा रहता है, मगर धूप तेज होती है कि जो किरणें होती हैं वो सीधी पड़ती हैं, तेज धूप होती है। तो दोस्तों अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, तो मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि अभी कोई काम धंधा तो है नहीं, सारे फ्री में बैठे, तो मैंने सोचा चलो आपको घर में बैठे हैं तो आपके लिए कुछ स्पेशल वीडियो बनाए जाएं, जिससे आप घर में इन जंगलों का लुत्फ़ उठा सकें। क्योंकि ऐसे जंगल आपको लाइव कोई नहीं दिखाएगा, तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ स्पेशली। तो मैं पहाड़ों का रहने वाला हूँ, और मैं चाहता हूँ कि लोग पहाड़ों के बारे में जानें कि पहाड़ों के अंदर का जो माहौल होता है कैसा होता है, और पहाड़ों के अंदर हर कोई रहना क्यों पसंद करता है। क्योंकि पहाड़ जो होते हैं हर जड़ी बूटी जो होती है पहाड़ों में होती है। ये देखो आप आम का कितना बड़ा पेड़ है। अब मैं आपको कुआं दिखाऊंगा, तो ये पानी का कुआं है। ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। तो ये पानी है बंद है, इसके कारण इसके पीने के लायक नहीं रहा पानी। तो अब मैं पानी आपको बताऊंगा, इसके नीचे पानी है यहाँ पर, तो इसका पानी जो है पशु पीते हैं, ये पानी जो है अभी इससे नीचे निकलता है। तो इधर नीचे इस नाले में आगे पानी है। तो दोस्तों अगर आप हिमाचल में घूमने आए तो कभी ऐसे जंगलों में भी जाएं वहाँ के लोकल आदमी के साथ, और जिससे आपको जंगल का आनंद लेने में पूरा पूरा अनुभव हो।
तो दोस्तों आप लोगों ने आज इस वीडियो में देखा कि अंबादा बाग ये जंगल है, तो ये हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में पाया जाता है। और ये सुहाना विलेज माता चिंतपूर्णी के 2 किलोमीटर के पास का है। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।